हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर समाचार में आपका स्वागत है। मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी की उदयपुर ब्रांच में सोमवार को हुई 12 करोड़ से ज्यादा की लूट के मामले में पुलिस की चार बड़ी चूक सामने आई है। पहली पुलिस की गलती यह है कि लुटेरे काफी समय से वारदात की प्लानिंग कर रहे थे, मणपुरम गोल्ड ब्रांच की रैकी कर रहे थे। पुलिस खुद भी मान रही है कि प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बावजूद पुलिस को इंटेलिजेंस टीम से कोई भी इनपुट नहीं मिला है। दूसरी गलती यह है कि मणपुरम गोल्ड ब्रांच जहां वारदात हुई वहां से प्रताप नगर थाना महज 200 मीटर की दूरी पर है। वारदात के लिए लुटेरे थाने के सामने से आए और वहीं से निकल गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। तीसरी चूक यह है कि वारदात के बाद भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई और सोना लूटकर लुटेरे प्रताप नगर चौराहे सहित कई प्रमुख स्थानों से गुजरे, लेकिन कहीं भी कोई जांच नहीं हुई। एक बाइक पर 3 लोग थे, पास में बड़ा बैग था, लेकिन कहीं भी पुलिसकर्मी या ट्रैफिक कर्मी ने रोककर पूछताछ तक नहीं की। पुलिस की चौथी गलती यह है कि उदयपुर में पिछले कुछ समय में कन्हैयालाल हत्याकांड, व्यापारियों को धमकी सहित कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, इसके बावजूद पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं आई है। यही वजह है कि दिन दहाड़े लुटेरे 12 करोड़ का सोना लूटकर फरार हो गए। सो दोस्तों, उदयपुर से 12 करोड़ की लूट के मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।